हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया होसना। जो कि इजराइल देश में जो कि घटना हुआ है, इजराइल और काजा और भी बहुत सारा देश है जो कि लड़ाई चालू हो गया है और बहुत लोगों मार रहे हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और उन लोगों का फैमिली में बहुत दुख रहा होगा, उनके जीवन में क्या बीत रहा होगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वो उनके परिवार जैसे कि शांति पाए ऐसे सहायता कर। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं उन परिवार के लिए भी, देश के लिए भी, हर एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके इसराइल देश और काजा और भी जो कि हमास और जो कि जितने भी देश हैं जो कि लड़ाई चालू हुआ है, सारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि लड़ाई चालू हो गया है और जो कि बिल्डिंग और जगह जगह में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और लोग मार रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी लड़ाई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में तो शांति दे और लड़ाई थम जाए और सब कोई हंसी से खुशी से रहे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सबको तो आशीष दे, सबको तो शांति दे, सबको तो सलामत से रख। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर एक फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया में जितने भी मानव जाति हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी बीमार है, जो कोई रोग में पीड़ित है, सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सबको चंगाई दे। हालेलुया होसना। ये छोटा सा प्रार्थना तुम्हारे चरणों के नीचे रखते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। राग बांगा चिमांदा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सबको स्वागत है नया वीडियो में। 4 से 5 दिन हो गया है और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ असुविधा हुआ था घर में इसीलिए। और फिलहाल अब सब कुछ ठीक है। जैसे कि हमने न्यूज में देखा जो कि इसराइल देश में बहुत लड़ाई हो रहा है, इसलिए मेरा दिल नहीं माना दोस्तों और दुआ किया। और 2-3 दिन हो गया है हम दुआ कर रहे हैं इसराइल देश के लिए और गाजा के लिए, हर एक देश जितना भी लड़ाई चालू हुआ है जो कि बहुत सारे लोगों मार रहे हैं, उनके फैमिली में उनके परिवार में बहुत बीत रहा होगा, दुखद टाइम है उनके लिए। तो उन शांति के लिए हम प्रार्थना कर, जैसे कि फैमिली में अच्छे से रहेंगे और जो कि लड़ाई आगे हो रहा है वो ना हो लड़ाई, इसीलिए हम दुआ किया। आप भी किसी न किसी धर्म से हैं, हम सब कोई एक ही भगवान को ही मानते हैं, तो हमको दुआ करना चाहिए जो कि हमारा प्रार्थना को सुनेगा ऊपर वाला और सब कुछ ठीक कर देगा। किस वजह से लड़ाई हुआ है मैं तो नहीं जानता हूँ, न्यूज में जैसे देखा हमको बहुत दुख लगा और थोड़ा बहुत दुआ किया अभी। और तो अभी रात हो गया है, हम खाना को खाएंगे दोस्तों और खाना खा करके और भी कुछ बातें करेंगे आप सबसे और वीडियो को समाप्त करेंगे और आगे से फिर रेगुलर वीडियो आएगा। कुछ प्रॉब्लम हो गया था घर में, मैं नहीं बता पाऊंगा और इसीलिए चलो ठीक है, हम अभी खाना खाते हैं। मोटा जी ए मोनिका जा तो हरी मिर्ची लाना, जा फ्रिज से 2 लाना। और दोस्तों देखिए यहाँ पे झुनगा और आलू भाजा और वहाँ पे दाल है, आलू। दोस्तों अभी खाना चालू कर दिए हैं और मेरा मम्मी पापा तो बेचने के लिए गए हैं, आप सब देखे हैं वीडियो में, जो कि पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो जो नहीं देखे हैं। और कल शायद आ जाएंगे और मुझे ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा, जो कि चावल लाना पड़ेगा उधर से, जो कि ऐसे 10 से 12 जन गए हैं यहाँ से, जो कि मेरा मम्मी पापा की उम्र के वो उनके साथ साथी होकर के गए हैं बेचने के लिए। तो ठीक है, मैं भी अभी खाना चालू करता हूँ।
तो दोस्तों खाना सब कुछ ख़त्म हो गया है, खाना को खा लिया है हम सब ने। और अभी ये अक्टूबर का महीना ख़त्म हो जाएगा तो नवंबर आ जाएगा। नवंबर में एक चीज़ होता है हमारे यहाँ पे, अभी तो उसका पत्ता नहीं सूखा है, उसका पत्ता सूख जाएगा तो नीचे जो कि कांदा टाइप का होता है गोल गोल, जो हम बोलते हैं पीतालू कांदा, थोड़ा वो कांचा खाओगे तो बहुत कड़वा लगता है, जैसे कि करेला ऐसा लगता है। अगर उसको पतला पतला काटोगे, पहले पानी में उबालोगे, हाँ एक घंटा तक उबालेंगे, उसके बाद में पतला पतला काटेंगे और उसको रात में जा करके तालाब में या नदी में छोड़ना पड़ता है रात भर, ताकि उसका जो कड़वा लगता है ना वो चला जाएगा पानी में, हाँ धो करके। और सुबह लाना पड़ता है और उसको बना करके खाना पड़ता है, वो वीडियो हम बनाएंगे, पहले भी बनाए हैं। आप हमारा चैनल पर जाइए और वीडियो में जाइए और पीछे स्क्रॉल करते करते आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा, दो तीन बार तो हमने बनाया है ना। और वो ना आलू जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मम्मी पापा पहले के ज़माने में आदिवासी हैं, हम तो जंगल के एरिया में रहते थे तो उस कांदा को ही खाते थे, उससे ही गुजारा होता था। और उस और भी बहुत प्रकार का है, उसका भी वीडियो बनाएंगे। जैसे कि जंगल में मिलता है 10 से 12 प्रकार का कांदा मिलता है। नवंबर महीना से तो बारिश तो ख़त्म हो जाएगा तो वो लाला करके बनाएंगे और सब कुछ सबका वीडियो बनाएंगे, हाँ बहुत मज़ा आएगा। तो ठीक है दोस्त, छोटा सा वीडियो बनाए हैं हम, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सबको गुड नाइट। और क्या क्या खाना खाए हैं रात में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बाय।